क्या हो गया? यूपीएससी लिखने का फैसला गलत लग रहा है क्या? कहाँ थे गायब हफ्ते से? कर क्या था? क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ इमरजेंसी थी क्या? ऐसा ही कुछ। अरे इतना मोटा दहेज मिल रहा था क्या आपको? प्रीलिम्स तो जाने देते, तो फिर लव मैरिज। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता था, कुसुम से पहली बार मिला था। बात आगे बढ़ी तो घर वाले भी मान गए, तो मुझे लगा मैं और कुसुम कुछ बेटर डिजर्व करते हैं। मैंने उसे अपना आईएएस बनने का सपना बताया, उसने सपोर्ट कराया, घर वालों ने नहीं। हाथ जोड़ के एक साल का प्रॉमिस करके आया था कि सासू के देते आज 4 साल हो गए। और कुसुम? वो तो 4 साल से वेट ही कर रही। उसने अपने सारे सपने सेक्रिफाइस कर दिए फॉर माय वन सिंगल ड्रीम। और कितना रोकती अपने घर वालों, संदीप भैया आप वैसे इस एंगेजमेंट से खुश नहीं हो क्या? ना ना ऐसी बात ना है, इस बार आपका पक्का हो जाएगा संदीप भैया। मुझको क्या सबको यही लगता है, आप इस बार निकाल लोगे। लास्ट ईयर एक नंबर से लिस्ट से बाहर हो गया, 1.5 नंबर पूरा साल खा गया। इसे 4 सालों का बर्डन है कुसुम पर। कोटी पहन लेने से उसका बर्डन थोड़ा कम होता है। क्या अर्जे पर यो पता नहीं था कि अंगूठी के साथ एक सवाल और आता है। इस बार ना निकड़ाते क्या करूं? पहले लोग पूछते थे, अब मैं खुद से पूछता हूं। इस साल ना निकड़ा दिखे करूं? संदीप भैया आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते तो उससे थोड़ा बेटर ही होता? मतलब कुछ तो और हेल्प मिलती ही। हेल्प तो मिलती, के बताऊं आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, रोटी के बारे में सोचूं बापू की कोचिंग के बारे में सोचूं, यह हालत है। मकर जाओ रखे हैं, घरवालों को विश्वास है कि इस बार तो निकाड़ लूंगा।
आपने घना फोर्स किया, कोचिंग कर कोचिंग कर। मैंने विश्वास दिलवाया, मैंने कोचिंग की कोई जरूरत ना है, मैंने कर दिया। मैंने अब उनकी रोटी छीन के कोचिंग तो ना होगी मुझसे, होगी? तो ना करी इस साल। संदीप भैया, आपका कोई प्लान भी है क्या? प्लान बी फॉर लूजर्स। समझा ना, प्लान बी फॉर लूजर्स। ये सोच के तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। ये भी समझ में आ रहा है। प्लान बी का क्या मतलब होता है?